हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित तेज। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटच स्कैन सॉफ्टवेयर में एक प्रॉपर्टी होती है स्लाइडर्स प्रॉपर्टी। तो स्लाइडर्स प्रॉपर्टी पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, इंटच सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। इंटच विंडो मेकर फाइल आपकी जैसे एडिट इज ओपन है, पहले भी मैंने कुछ वीडियो आपको सेंड की हुई हैं, आपने वॉच की होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम विजार्ड में जाके स्लाइडर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और डायरेक्टली अगर विजार्ड में स्लाइडर है तो उसका यूज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर स्लाइडर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अलग से स्लाइडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसकी भी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल। आप यहाँ पर रेक्टेंगल ले लीजिए, इसका कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। सपोज मैं इसका कलर टेडी रहने देता हूँ। मुझे इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं स्लाइडर की बात करता हूँ तो ये मेरे पास स्लाइडर है, आप इसको अप एंड डाउन स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट को स्लाइडर बनाना है, जो मैंने स्क्वायर लिया हुआ है, तो आप इसको भी स्लाइडर बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, देन यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है स्लाइडर्स प्रॉपर्टी। स्लाइडर्स प्रॉपर्टी में आप स्लाइडर को वर्टिकल बनाना चाहते हैं, यानी वर्टिकल स्लाइडर बनाना है आप वर्टिकल बना सकते हैं, आपको अगर हॉरिजेंटल स्लाइडर बनाना है आप हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज पहले वर्टिकल स्लाइडर पे जाऊँगा, तो सबसे पहले आप कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं स्लाइडर, यानी जैसे आप ये सिंपल स्लाइडर बनाते हैं वैसे ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं कोई और एनालॉग टैग बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर H1 के नाम का एक टैग ले लिया। देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज, देन वर्टिकल मूवमेंट। तो सबसे पहले वर्टिकल मूवमेंट में आपको देना है, जैसे मैं वर्टिकल स्लाइडर अप डायरेक्शन की तरफ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 100 पिक्सल, मीन्स मैं जो लेंथ कवर करूँगा स्लाइडर का यूज करके वो 100 पिक्सल कवर करूँगा। डाउन में मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये अप डायरेक्शन में 100 पिक्सल जाएगा। देन आपको 100 पिक्सल जब आप कवर करते हैं तो कितनी वैल्यू जनरेट होनी चाहिए स्लाइडर से, तो मैंने यहाँ पर 100 कर दिया डिफॉल्ट। देन बॉटम में मैंने 0 दिया, इसका मतलब यह है कि मैं 0 से लेके 100 वैल्यू जनरेट करूँगा इस स्लाइडर का यूज करके, देन ये अप डायरेक्शन में 100 पिक्सल मूव करेगा। रेफरेंस लोकेशन की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने बॉटम सेलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से ये रेफरेंस पॉइंट चेंज होते हैं। अभी मैं ओके करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये डिफाइन करा रहा है, आप जस्ट ओके। मेमोरी रियल मतलब एनालॉग के लिए है, आप सेव एंड क्लोज कर दीजिए। और मैंने एक H1 के नाम का स्लाइडर बनाया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू भी मेरे को शो होना चाहिए, तो आप टेक्स्ट ले लीजिए, और टेक्स्ट लेने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए हैश, देन पॉइंट में कितने पॉइंट्स में वैल्यू आपको शो करना है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन जो भी आपने अभी H1 लिया है टैग नेम, वो आपको इसमें भी देना पड़ेगा। मैं इसलिए ले रहा हूँ हैश क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैल्यू डिस्प्ले भी होना चाहिए, तो हैश पर डबल क्लिक करिए। देन वैल्यू डिस्प्ले में मेरे को एनालॉग लेना है, देन सेम टैग नेम आपको यहाँ पर लेना है, और आप ओके कर दीजिए। रन टाइम पर जाइए, देन आप यहाँ पर जो स्लाइडर है जो मैंने अभी स्क्वायर बनाया है ये देखिए, ये इस तरीके से विजुअल हो रहा है, मीन्स आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जो रेफरेंस लोकेशन रेफरेंस पॉइंट लिया था वो बॉटम था, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए बॉटम साइड में एरो बन के आ गया, यानी जो पिकअप पॉइंट है वो बॉटम साइड है, और आप इस तरीके से स्लाइड कराएंगे तो ये स्लाइडर बन गया आपका, यानी अब डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और 0 से 100 वैल्यू का स्लाइडर बन चुका है। आप इस स्लाइडर का यूज नॉर्मल जो स्लाइडर आप लेते हैं उसकी तरह यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट पे जा रहा हूँ, सपोज मुझे अभी चेंज करना है रेफरेंस पॉइंट टॉप, इसका मतलब देखेंगे क्या होता है। रन टाइम पे आप चले जाइए, इसका मतलब देखिए अभी पिकअप पॉइंट मैंने टॉप सेलेक्ट किया था तो अभी टॉप में सेलेक्ट हो रहा है, आप देखेंगे एरो आपको दिखाई दे रहा है। अगर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मैं फिर से चेंज करता हूँ, इस समय रेफरेंस पॉइंट में चेंज कर रहा हूँ मिडिल, दैट मीन्स मिडिल में सेलेक्ट होगा ये। अभी आप देखिए रेफरेंस पॉइंट, आप देखिए एरो मिडिल में सेलेक्ट हो रहा है, तो अभी मैंने 0 से 100 का स्लाइडर बनाया हुआ है, मीन्स इसका यूज कर सकते हैं आप फर्दर। देन फर्दर अगर मेरे को अभी ये बाय डिफॉल्ट 100 वैल्यू का स्लाइडर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पर 500 ले लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो स्लाइडर अभी आपके पास 100 का था वो 500 वैल्यू तक का बन गया है, लेकिन जो 500 वैल्यू जनरेट होगी वो 100 पिक्सल में होगी, मीन्स जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 100 पिक्सल ही करेगा,
लेकिन अब वैल्यू मैंने जो बनाया स्लैडर वो 100 वैल्यू का ना बना के मैंने 500 वैल्यू तक का बना लिया है। मीन्स अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी डेवलपमेंट में जा रहा हूँ। जैसे ये नॉर्मल स्लैडर 100 वैल्यू का है, अगर आप इसको 500 करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम में यहाँ पे जाके 500 करेंगे तो आप देखेंगे ये स्लैडर 500 का बन गया। अगर मैं पहले वाला स्लैडर की बात करूँ तो ये अभी क्या कर रहा है, 0 से 500 तक का बन चुका है। यही चीज अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके स्लाइडर बनाना चाहता हूं तो यहां से आप देखेंगे ये मैंने 500 वैल्यू तक का स्लाइडर बना लिया है। डेवलपमेंट में जा रहा हूं, फिर से मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो ये मैंने डायरेक्शन वर्टिकल लिया हुआ है, यानी अब डायरेक्शन जा रहा है। आप चाहते हैं कि डाउन की तरफ जाना चाहिए ये मूवमेंट, तो आप डाउन में यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा 100 पिक्सल जाना चाहिए एंड 0, देन यहाँ से आप ये भी वैल्यू चेंज करेंगे, यानी 500 वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगी। ओके करेंगे, रन टाइम पे जाएंगे और आप देखेंगे कि अभी इनिशियली देखिए 0, यानी स्लाइडर इनिशियल पोजीशन पे है। देन जैसे ही मैं डाउन में लेके जाऊंगा ये 500 वैल्यू का स्लाइडर बन गया। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आपको काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये लोकेशन प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा कि मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ इसी स्लाइडर का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूँ। इसका कलर सपोज मैंने ये कर दिया, मैं राइट में लेके जाना चाहता हूँ 0 से 200 वैल्यू। तो लोकेशन में हॉरिजेंटल में गया, सपोज राइट में मेरे को जाना है 250, लेफ्ट में नहीं जाना है, स्टार्ट 0 से, और मैं 500 वैल्यू जब जाए स्लाइडर तो ये राइट में 250 चला जाए। देखिए कितना डिफरेंस है। रन टाइम पे जाएंगे, अभी स्लाइडर 0 पे है, ऑब्जेक्ट मेरा वही की वही है। जैसे ही मैं इसको डाउन लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ से, या अभी मेरे को सेम टैग नेम भी देने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे जो टैग नेम है कोई दूसरा था, जैसे यहाँ A1 है तो मुझे H1 लेना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। बिकॉज इस स्लाइडर का जो टैग नेम है वो H1 है। आप देखेंगे आप स्लाइडर 0 पे है, ये वही की वही ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैं इसको स्लाइड करूंगा ऑब्जेक्ट राइट में चला जाएगा। मीन्स इस स्लाइडर का भी यूज करके आप अपनी प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं। देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है लेकिन फर्क है, ये स्लाइडर है देखो ये सिलेक्ट हो रहा है लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको क्लियर है कि ये मेरा स्लाइडर हम बना सकते हैं और ये लोकेशन प्रॉपर्टी है। मैं इसको ऑब्जेक्ट को हटा रहा हूँ। अभी अगर मेरे को स्लाइडर, ये अभी वर्टिकल स्लाइडर था, लेकिन अगर मेरे को हॉरिजेंटल स्लाइडर बनाना है तो ये पॉइंटर मेरा वर्टिकल में तो अप एंड डाउन जाएगा, लेकिन हॉरिजेंटल में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट या राइट जा सकता है, यानी आप स्लाइडर लेफ्ट या यानी राइट वाला भी बना सकते हैं। तो वर्टिकल अनटिक किया मैंने, हॉरिजॉन्टल पे गया, माना कि मैं H1 का ही नाम का बनाना चाहता हूँ, तो ये राइट की तरफ 100 पिक्सल जाएगा और वैल्यू अभी कितना देगा राइट, यानी 100 वैल्यू का स्लाइडर हो गया। रेफरेंस लोकेशन यानी लेफ्ट हो गया, आप देखेंगे यहाँ पर अभी वही की वही है। जैसे इसको पिक किया तो लेफ्ट पॉइंट मेरा सिलेक्ट हो रहा है और ये राइट की तरफ जाएगा 100 पिक्सल और वैल्यू भी 100 देगा, आप देख पा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं वैल्यू मेरे को 1000 वैल्यू जनरेट होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में गए आप राइट हैंड की जगह आप 1000 दे देंगे, यानी 1000 वैल्यू आपकी जनरेट होगी 100 पिक्सल राइट मूवमेंट पर। आप रन टाइम पे चले जाइए, अब यहाँ पे देखिए ये 0 पे स्लाइडर है, अब इसको मैं पिक करके अगर राइट लेके जाता हूँ तो 1000 वैल्यू जनरेट होगी अब आपकी, यानी 1000 वैल्यू का आपने स्लाइडर बना लिया है। इसी तरीके से अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ से राइट सिलेक्ट करते हैं तो आपका स्लाइडर क्या होगा, रेफरेंस पर राइट में देखिए एरो सिलेक्ट होके आ गया, सेम उसी तरीके का फंक्शन कर रहा है अभी, यानी अभी इनिशियल 0 है और राइट में ही सिलेक्टेड है और इस तरीके से राइट में जा रहा है, ये 1000 वैल्यू जनरेट करेगा। अगर आप मिडिल से सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप मिडिल से यानी सेंटर से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पॉइंटर मिडिल में सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, इसको 0 पे लेके जाइए और यहाँ से ये राइट में आ रहा है। इस तरीके से ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्लाइडर राइट की तरफ वाले के लिए बनाया, यानी राइट में मूव करा रहा हूँ। अगर मेरे को लेफ्ट की तरफ मूव कराना है आप लेफ्ट में पिक्सेल ऐड कर दीजिए और वैल्यू यहाँ पे माना 500 वैल्यू का स्लाइडर बनाना है, सेंटर मैंने रेफरेंस लोकेशन ले रखा है, तो ये स्लाइडर अब मेरा राइट की तरफ मूव करेगा, यानी इनिशियल पोजिशन ये हो गई और ये राइट की तरफ अभी मूव कर रहा है। इस तरीके से 500 वैल्यू ये जनरेट कर रहा है हमारे लिए। तो इस तरीके से आप एक अलग से भी स्लाइडर आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।